पावर योगा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आइए हम यहाँ आए हुए जितने योगा के यहाँ व्यायाम करने वाले सभी साथियों से मुलाकात करेंगे। आहूजा जी हमारे बीच में हैं और आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, हरियाली तीज के बारे में भी बताएंगे कि हरियाली तीज का क्या एक महत्व होता है। तीज का है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है पावर योगा का बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। मैं यहाँ पिछले 2 महीने से आ रहा हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत ही ऐसा मज़ा आता है कि हम हमेशा हर रोज़ आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो इसलिए शायद ज़्यादा देर आ नहीं पाऊँगा। तो बहुत सावन के महीने के अंदर एक ये पावन तीज माना जाता है और तीज के त्यौहार को कहा जाता है, ये बीज डाल देता है सारे त्यौहार चालू होने का। तो ये तीज का त्यौहार है जो सावन के महीनों में बनाया जाता है। पहले के टाइम पे तो लड़कियां अपने पियर जाया करती थी रहने के लिए, वहाँ पे एक याद जुड़ी होती थी कि भाई सावन में जाना है। और मैं चाहता हूँ कि सारे देश में ये पावर योगा होना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि अमेरिका में भी जगह जगह पे जहाँ भी इंडियंस रहते हैं या इवन नॉन इंडियंस भी, उनके लिए पावर योगा शुरू होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप पूजा पाठ करके भोले बाबा को पाया था, उनसे शादी की थी और आज हरियाली तीज पे सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और सारी जो नई दुल्हन होती हैं वो फूलों से श्रृंगार करते हुए झूला झूलती हैं और घेवर का प्रसाद बनता है। बनाया वो बड़े जोर शोर से बनाया गया और उसके लिए जो हमारे बीच में जो मोनिका ने जो आज धर्म के साथ साथ योगा के साथ साथ जो इन्होंने एक भक्ति भाव का जो माहौल क्रिएट किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे तीज के बारे में? मैं सबसे पहले मैं इस चीज़ पे फोकस देती हूँ कि हमारे साथ साथ आने वाली जनरेशन जो है, जो त्योहारों को भूल चुकी है, हमारे भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है, उनको साथ मिलकर तीज का त्यौहार मनाएं, सभी त्यौहार अपने आने वाली जनरेशन को समझाएं कि हमारे क्या क्या त्यौहार हैं, हमारी अनमोल धरोहर का महत्व उनको बताएं। और बारिश की झमाझम के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और तीज को लंबे समय तक चलने वाले भारतीय त्योहारों में उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे के लिए आपके क्या और प्लानिंग है और क्या विचार हैं? ऐसा है कि जो हमारी ये संस्था योग शक्ति संस्थान है और जो हम यहाँ पे खड़े हैं बोंटा पर, यहाँ पर लगभग साल के अंदर हम 8 से 10 त्यौहार बनाते हैं। जो कमिंग हमारा आने वाला फेस्टिवल है, जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद फिर जब नवरात्रे आएंगे तो हम देवी के नवरात्रों का एक प्रोग्राम रखते हैं जिसके अंदर गणेश वंदना करते हैं। इसके अलावा दिवाली की सेलिब्रेशन होती है, नए साल की सेलिब्रेशन होती है, फिर हमारा होली का फंक्शन आता है और फिर हमारा एनुअल डे जो हमारा 17 मार्च को जो हमारा एनुअल डे आता है उस दिन। तो लगभग हमारे 8 से 10। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो त्यौहार है तीज का, हरियाली तीज का, इस दिन पार्वती जी और शिव जी का पुनर्मिलन हुआ था और ये पार्वती जी ने घोर तपस्या करके इस दिन शिवलिंग रेत का बनाकर और उनकी आराधना की थी, तब शिव जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने शादी की। ईशद के लोग और रॉयल बोंटा क्लब के लोग, शनिचर क्लब के जो बोंटा क्लब जो और यहाँ पे क्लब्स हैं वो सब हम T20 क्लब्स, सारे क्लब्स हमारे साथ क्लब होके और सारे फंक्शंस को हम इंजॉय करते हैं। और एक लास्ट थिंग कि मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अंकल के बाद में ऐड करना चाहता हूँ, जो फेस्टिवल्स हम क्यों मनाते हैं। तो मैं एक अपने किसी क्लाइंट से विजिट करने गया था, उन्होंने बोला कि यार हम घर में सब बैठ के खाते पीते हैं तो पूजा और पाठ क्यों करते हैं, ताकि पूरा परिवार एक साथ बैठे, मिले, बातचीत करे और जिससे उनमें बॉन्डिंग बने। तो वही चीज़ हम फॉलो करते हुए, जो कि आजकल दूर होती जा रही है चीज़ों से, वो चीज़ हम अपनाते हुए सारी की सारी चीज़ें कि आपस में बाउंडिंग हो, पूरी फैमिली जो एक न्यूक्लियर फैमिली बनती आ रही है जॉइंट फैमिली में तब्दील हो। दैट्स इट, दैट्स आवर जो टारगेट है, मोटो है, वो यही है। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आऊँगा आपकी। जगदीश भदवा जी खुद एक अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन पिछले एक साल से ये YSS से जुड़कर यहाँ योगा में आए। इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे BP, इनका वज़न बहुत था, ठीक है। इन्होंने हमारे साथ अपनी कुछ शेयर की हैं बातें, मैं चाहूँगा आप सब भी सुने। मेरा 107-108 किलो वजन था, मैं जब यहाँ आने लगा मैं मेरा शरीर कांपता था, मैं बड़ा परेशान था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जीवन करा, मेरा वजन आज कोई 77-78 किलो है, मेरा 500 शुगर था, तो अब इस टाइम मेरा है 90-95 है, मेरा BP ख़त्म हो गया, कोई वो नहीं, मैं कोई गोली नहीं खाता, कुछ नहीं खाता एकदम। मतलब आप मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका कहना है कि मैं दवाइयां हमारी फेल हो गई योगा के आगे, ठीक है, तो योगा और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? योगा मैं कहेंगे योगा करें और अपना शरीर स्वस्थ रखें, ठीक है। आप प्रतिदिन योगा करते हैं? मेरी इस टाइम एज है 74 साल की। रेगुलर क्लास आते हैं आप? मैं आपको फायदा कहाँ से मिला ये बताइए जी। योगा क्लास से मिला है? दिल्ली चैनल वाले जो आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। करते हैं, जो ये भी पिछले 2-3 सालों से शायद यहाँ आ रहे हैं, है ना। तो आप बताइए, जब आप यहाँ आना शुरू किया था तब आपका कितना वजन था? 114 किलो। 114 किलो, बाप रे, 114 किलो, सुना आपने, 114 किलो। अभी 80। इतना कम? कैसे, कोई दवाई खाई आपने? नहीं, मैंने योगा किया, योगा की क्लासेस लिए यहाँ से। अच्छा, योगा से इतना वजन आपका कम, देखा आपने योगा का कमाल देखा? एक साल में क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? आप योगा कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए। कई जगह आपकी क्लासे लगती हैं? हमारी नॉर्थ दिल्ली में लगभग 40 क्लासे अब हो गई हैं, पंजाबी बाग तक हम पहुंच गए हैं। उससे पहले हमारा पंजाबी बाग के बाद ईस्ट पंजाबी बाग के अंदर है, वीर सावरकर पार्क के अंदर है, प्रीतमपुरा, उसके बाद शालीमार बाग, इधर निरंकारी कॉलोनी, ओटम लाइन, हरसन लाइन, इसके अलावा जहां हम खड़े हैं ये बोंटा क्लास है, इसके अब आगे चले तो मलकागंज, नागिया पार्क, गुलाबी बाग, इसके बाद फिर हमारी जो आती है नेमड़ी कॉलोनी, भारत नगर, शास्त्री नगर, और आगे चलेंगे तो फिर त्रिनगर के अंदर हमारी 3 क्लासेस चलती है। कुल मिला के हमारी 40 से ऊपर क्लासेस हो गई। पूरा अशोक बिहार हमने कवर कर रखा है, अशोक बिहार में लगभग 8 क्लासेस हमारी चलती है। जो ये पौधा हमारा जो ये लगाया गया था शुरू में हमारे उमेश अरोड़ा जो हमारे मुख्य संचालक जी हैं उनके द्वारा लगाया गया था, और अब उनकी जो शाखाएँ हैं इस पेड़ की वो 40 से अधिक हो गई हैं, और हम सभी एक टहनियों के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम सभी से यही आशा करते हैं कि सभी हमारी क्लासों के साथ जुड़ें, योग का आनंद लें, उसके अलावा अपने शरीर को ठीक रखें, बीमारियों को दूर करें, सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, प्रसन्न रहें, इसी आशा के साथ। और ये जो हमारी जितनी भी सारी क्लासेस चलती हैं सारी निःशुल्क चलती हैं, लगभग सभी का जो टाइम है 6 से 7 बजे तक का होता है, शूज़ पहन के आएँ, ढीले कपड़े पहन के आएँ और आके हमारे साथ जुड़ें। और मैं सभी को यही चाहूँगा कि अगर वो खुद स्वस्थ होंगे जब भी उनका परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो उससे उनका समाज स्वस्थ होगा, और जब हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। जो हमारे माननीय मोदी जी द्वारा 2015 में जो आह्वान किया गया था योगा के लिए, तो उसकी और हम अग्रसर होते हुए, तो मैं इसी आशा के साथ कि सभी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ जो तेजस्वी चैनल वाले हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज हमारे को कवर किया हुआ है, आज हमारे फंक्शन को भी। धन्यवाद तेजस्वी दिल्ली की तरफ से, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द ही पूरे देश में आपकी ब्रांचें खुलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। को बाउंटा पार्क में कवर किया, ठीक है। प्रदीप गुप्ता जी जो क्षेत्र के संचालक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी घरों से निकलें, अपने आप को स्वस्थ रखें, YSS पे जाएं। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो आपके आसपास में जहाँ भी योगा क्लासेस चलती हैं उन्हें योगा को आप आगे प्रोत्साहन दें, योगा को आगे बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।